दोस्तों आज हमारे साथ है एक डिस्पोजल गिलास जो कि सबके साथ, जो कि हमारे हर सभी चीज़ों में काम आती है, जिसे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। और मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा, इससे हम आज एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है, ज़रूर देखिए गिलास का एक्सपेरिमेंट। हमें इस पर छेद करना होगा सबसे पहले, तो मैं इस कागज़ को कुछ तरीके से फोल्ड कर लेता हूँ जैसे कि मैं कर रहा हूँ। गाइस आप भी कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। इसमें एक क्रेजी ट्रिक है जो मैं आपको देने वाला हूँ। कागज़ को अच्छे से फोल्ड कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। कागज़ को कुछ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें बिल्कुल इसको रोल कर लेना है जैसा कि उस छेद में यह चला जाए, डिस्पोजल गिलास के छेद में। कुछ इस तरीके से इसको करना है जैसे कि छेद में ये चला जाए। दोस्तों मैं बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ इस जगह पे ये शूट कर रहा हूँ कि यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हमने ये कर लिया है कि हमने इस छेद में डाल दिया है कुछ तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं। अब फाइनली हमें क्या करना है, इस कागज़ को उसके कोने से जलाना है जैसे मैंने इसे जला दिया है गाइस। और आप कुछ ही देर में यहाँ पर देख पाएंगे कि जो धुआँ है वो नीचे की तरफ गिरेगा गिलास में। ये आप अपनी आंखों से देखिएगा कि जो धुआँ कागज़ का निकलेगा वो गिलास के छेद में से नीचे की तरफ गिरेगा, जबकि धुआँ को ऊपर की तरफ उठना होता है हमेशा। कभी भी आप धुआँ देखोगे तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इस गिलास में वो धुआँ नीचे की तरफ जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारा धुआँ नीचे गिरा है। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि धुआँ देखो नीचे गिर रहा है, जैसे कि पानी गिरता है उसी तरह ये धुआँ नीचे गिर रहा है। लेकिन इसके पीछे की एक साइंस है कि ये साइंस ये है कि गिलास के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO2 नहीं है, इसलिए ये नीचे की तरफ गिर रहा है। हवा बिल्कुल भी नहीं है तो नीचे की तरफ गिर रहा है। फिलहाल मैं इसे बुझा लेता हूँ, अब आपको समझा। तो गाइस होता ये है कि कार्बनऑक्साइड नहीं होने की वजह से जो हमारा धुआँ है नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर वही अगर हम इससे खुले में तो ये ऊपर की तरफ उठता। तो बस सिंपल सी साइंस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को